भाषार्थ इस मातृ स्वरूपिणी विस्तीर्ण सर्वव्यापिनी एवं सुखदात्री भूमाता के पास जाओ। यह उनके समान मधुर एवं दान देने वाले पुरुष की युवती स्त्री जैसी सर्वस्वामिनी है, वह तुझे पाप आचरण से बचाए। भाषार्थ पृथ्वी इसे ऊंचे स्थान पर ले जा, इसे कष्ट नहीं देना। इसका अच्छी रीति से स्वागत करने वाली तथा सुख के पास रहने वाली हो। हे भूमि, जैसे माता पुत्र को आंचल से ढकती है, वैसी ही इसे सब ओर से आच्छादित कर। भाषार्थ इसे आच्छादित करने वाली पृथ्वी भली भांति अवस्थित हो तथा हजारों धूलियां इसके ऊपर आश्रय लें, ये घृतपूर्ण गृह की भांति हो, इसके लिए वहां वे सुखदायक आश्रय हों। भाषार्थ तेरे ऊपर पृथ्वी को उत्तम रीति से योजित करता हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं लोढ़ा रखता हूँ, तुझे कष्ट नहीं देता हूँ। तेरे इस टेक को पितर लोग धारण करें, यहाँ यम तेरे लिए निवास स्थान कर दें। भाषार्थ जैसे बाज के मूल में पर्ण पंख लगाते हैं, वैसे ही सर्व पूज्य दिनों में देवों ने मुझे रखा है। जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व को रस्सी से रोका जाता है, वैसे ही मेरी पूज्य स्तुति को रखो। इति सप्तमाष्टके षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः। एकोन विषम सुक्तम्। भाषार्थ हे गौवों, तुम हमारे पास लौट आओ, हमारे सिवा अन्य के पास मत जाओ। हे धनवती गायों, हमें दूध दान करके सेवित करो। बार बार धन देने वाले अग्नि एवं सोम, तुम हमें धन दो। भाषार्थ तू इन गायों को पुनः लौटा, इन्हें बार बार हमारे वश में कर। इंद्र भी इन्हें तुम्हें सहायभूत होकर तुम्हारे वश में करें, अग्नि इन्हें उपयोगिनी करे। भाषार्थ ये गायें पुनः पुनः लौट कर मेरे पास आएं, गौवों के पालक मेरे अधीन होकर पुष्ट हों। हे अग्निदेव, इस स्थान में ही इनको मेरे पास तू रख, तथा जो धन है वह यहाँ स्थिर रूप से रहे। भाषार्थ मैं जो गोष्ठ गोशाला गौवों के घर आने की, गौवों के नियम से लौट आना, जो पहचानना, रहना, चरने के लिए जाना, फिर लौट कर आना, तथा गो रक्षक गोपाल की भी कामना करता हूँ। भाषार्थ जो गोपाल चारों तरफ गायों को खोज करता है, जो उनके साथ जाने का अनुभव करता है, जो गायों को गृह पर ले आता है, तथा जो गायें चराता है, वह कुशल पूर्वक गृह पर लौट आए। भाषार्थ हे इंद्र, तू हमारी ओर हो, गायों को हमारी ओर करो, हमें बार बार गायें दो, उनके कारण हम उपभोग कर सकें। भाषार्थ हे देवों, मैं तुम लोगों को बहुत अन्न, घी तथा दूध आदि पदार्थ सब प्रकार से समर्पित करता हूँ। जो कोई भी यज्ञायी देवता हैं, वे हमें धन से संपन्न करें। भाषार्थ हे चरवाहा, गायों को मेरे पास ले आओ। हे गायों, तुम भी आओ। हे चरवाहा, गायों को लौटाओ। धरती की चार दिशाएं हैं, उन सबसे उनको रोक कर उनको फिर लौटाओ। विंशम सुक्तम। भाषार्थ हे अग्निदेव, तू हमारे मन को शुभ संकल्प से युक्त कर। भाषार्थ हवि का भोग करने वाले देवों में अति युवक, शासक, सबके मित्र एवं पराजित न होने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, जिसके यज्ञ में उसे प्राप्त करके सब देवता माता के स्तन की भांति अपनी आहुतियों का सेवन करते हैं। भाषार्थ जिस कर्माधार एवं तेजस्वी अग्नि को स्तोता जन उपासना स्तोत्रों से वर्धित करते हैं, वह कल्याण करने वाला अग्नि अत्यंत शोभित होता है। भाषार्थ अग्नि यजमानों के लिए आश्रणीय है, जब प्रदीप्त होकर ऊपर उठता है तब वह द्युलोक तक व्याप्त कर लेता है, बादलों को भी प्रकाशित करके विद्वान अग्निश्रेष्ठ पद पर स्थित हैं। भाषार्थ मानव के यज्ञ में हवि का सेवन करने वाला अग्नि ज्वाला युक्त होकर ऊपर उठता है, तब वह वेदी को मापता हुआ सामने आता है। भाषार्थ वह अग्नि ही हवि यज्ञ तथा कल्याण करने वाला है, यही देवों के पास बुलाने के लिए जाता है,
देवता भी उस स्तुत्य अग्नि के साथ आते हैं। भाषार्थ, देवों को बुलाने वाले सबका जीवन ऐसे अग्नि को लोग पत्थर का पुत्र कहते हैं, तथा जो यज्ञ के धारक हैं उस अग्नि की उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति के लिए सेवा करने की मैं कामना करता हूँ। भाषार्थ, हमारे जो भी पुत्र पौत्रादि श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सभी अग्नि का हवि द्वारा संवर्धन करते हुए समस्त प्रकार से श्रेष्ठतम संपत्ति में रहें, ऐसी हम आशा करते हैं। भाषार्थ, अग्नि का रथ कृष्ण वर्ण, शुभ्र वर्ण, तेजस्वी, लाल, सरल गंता और वेगवान तथा यशस्वी संपन्न है। इसको प्रजापति ने सोने जैसा उज्जवल बनाया है। भाषार्थ, इस प्रकार हे तेजस्वी बलपुत्र अग्नि, तुम अमर धन से युक्त हो। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि की इच्छा प्राप्त करने वाले विमद ऋषि ने तेरे लिए अपनी मन की श्रेष्ठ भावना युक्त स्तुति स्तोत्रों को कहा है। हे बल के देने वाले, तू अन्न बल एवं योग्य निवास और जो सब कुछ देने योग्य है वह सब प्रदान कर। एक विंशम सूक्तम्। भाषार्थ, बिछे विस्तृत कुश वाले आसनों से युक्त यज्ञ के लिए अपनी बनाई हुई स्तुतियों से देवों को बुलाने वाले तथा पवित्र प्रकाशमय एवं सर्वव्यापक अग्नि, तुझको हम वरण करते हैं तथा हम आनंद के लिए अपनाते हैं, तू उसको धारण कर। भाषार्थ, तेजस्वी एवं धन संपन्न वे यजमान तुझे सुशोभित करते हैं। हे तेजस्वी अग्नि, क्षरणशील तथा सरल जाने वाली आहुति तृप्ति के लिए तुम्हारे पास जाती है, तू उसे धारण करता है तथा बढ़ाता है। भाषार्थ, जिस प्रकार जल सिंचन करके पृथ्वी की सेवा करता है वैसे ही यज्ञ के धारक ऋत्विक होम पात्रों से तुम्हारी सेवा करते हैं, तू उसको हमारे बल एवं अन्न वृद्धि के लिए तथा देवों की तृप्ति के लिए यज्ञों में निमित्त ले आओ, तू महान शक्तिशाली है। भाषार्थ, हे तेजस्वी अग्नि, हे बलशाली एवं अमर, तू जिस धन को श्रेष्ठ आश्चर्यकारक मानता है, तू हमारे बल एवं अन्न वृद्धि के लिए और देवों की तृप्ति के लिए यज्ञों में हमारे निमित्त ले आओ, तू महान पूज्य है। भाषार्थ, अथर्वा ऋषि ने अग्नि को उत्पन्न किया था, वह सभी प्रकार के स्तुति स्तोत्रों का ज्ञाता है, वह सबके इच्छनीय होकर देवों को बुलाने के लिए यजमान का दूत भी हो, तुम्हारे आनंद एवं सुखों के लिए हो, वह सत्य ही गुणवान महान तथा सामर्थ्य है। भाषार्थ, हे अग्निदेव, ऋत्विक तथा यजमान यज्ञ कार्यों के शुरू होने पर तुम्हारी स्तुति करते हैं और तू सभी प्रकार के अभिलषित धनों को विशेष करके धारण करता है, तू लोगों के आनंद एवं कल्याण के लिए दानशील हो, इसलिए तुम महान पूज्य हो। भाषार्थ, हे अग्निदेव, यज्ञों में घी से प्रदीप्त तेजस्वी एवं ऋतिजों के साथ होते हुए सुंदर, समर्थ तथा अत्यंत ज्ञानी तुझको यजमान लोग तृप्ति के लिए स्थापित करते हैं, तुम शक्तिशाली हो। भाषार्थ, हे तेजस्वी अग्निदेव, तू महान है, तू प्रदीप्त तेज से अत्यंत विख्यात होते हो, समर के समय दर्पित वृष की भांति शब्द करते हुए अत्यंत बलशाली होते हो, औषधियों में बीज धारण करते हो, मद उत्पन्न होने पर तुम महान होते हो। द्वाविंशम सूक्तम्। भाषार्थ, इंद्र आज कहाँ प्रख्यात हैं, आज मित्र की भांति वह इंद्र किस जनसमूह में प्रसिद्ध होता गया, जो ऋषियों के आश्रम में या घर में स्तुतियों से उपासित होता है वह इंद्र आज कहाँ होगा। भाषार्थ, आज इस यज्ञ में इंद्र प्रधान है, आज हम वज्रधर एवं स्तुत्य इंद्र की स्तुति करते हैं, जो इंद्र लोगों के मित्र की भांति है और पूर्ण रूप से यश कीर्ति उत्पन्न करता है। भाषार्थ।